आप राजनीति की शुरुआत में आए तो आपके मन में कुछ सपने रहे होंगे, कुछ जिज्ञासाएं रही होंगी, कुछ उत्कंठाएं रही होंगी, कुछ आकांक्षाएं रही होंगी। उन आकांक्षाओं में कैसा उत्तर प्रदेश आपने देखा था और आज कहां तक वो उत्तर प्रदेश पहुंचा है? मैं सबसे पहले इस प्रश्न के साथ माइक आपको दे रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश आपने कैसा देखा था और आज कैसा है? इसके पहले कि मैं त्रिपाठी जी के प्रश्नों पर अपने विचार रखूं, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, उपस्थित दर्शकों को प्रणाम करता हूं। सबसे अच्छी बात है, उनको भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। ऐसे आयोजन में लोगों को अपने विचार रखने का मौका मिलेगा और विभिन्न विचारों से उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। हम जब आपने हमसे पूछा कैसा देखा था, हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे तो उस समय आज़ादी मिले बहुत थोड़ा समय हुआ था, गांव बड़ा उपेक्षित था, शहरों में भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैं 1980 में जब MLA होके आया तो हम लोगों ने सोचा था इसको हम बहुत अच्छा बनाएंगे, गांव की भी रोजगारी दूर करेंगे। गांव में सड़क थी ही नहीं, क्योंकि उसके पहले गांव के तरफ ध्यान नहीं गया था। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो डेवलपमेंट फंड था हमारा, पंजाब से भी कम था, महाराष्ट्र से भी कम था। और हर पंचवर्षीय योजना में हमारे विकास का फंड जो था वो सनय सनय और प्रदेशों के मुकाबले में पंजाब, हमारे पास आंकड़े हैं, अगर आप कहेंगे तो आंकड़े बता दूंगा, इतना कम रखा गया। जब आए थे हम लोग तब लखनऊ, जहां आप हिल्टन बैठे हैं, इसमें गेहूं बोया जाता था, धान बोया जाता था। आज सनय सनय उसका विकास हुआ और आज इस स्तर पर पहुँचा है कि लखनऊ भी एक अच्छा शहर, एक खूबसूरत शहर बन गया। मैं दुनिया के साथ बहुत सारे देशों में घूमा हूँ जिनको सभ्य और संपन्न देश कहा जाता है, वहाँ भी मैंने देखा है और आज लखनऊ को भी देख रहा हूँ। तो हम नहीं कहते उसकी बराबरी लखनऊ आज कर पाया है, लेकिन उधर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। जब 80 में हम आए थे तो कुल बजट उत्तर प्रदेश का था 27 अरब कुछ 100 करोड़ और आज बढ़कर हो गया है 4 लाख करोड़। और बजट ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों तो विकास की गति धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जो हमने कल्पना की थी अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। हम लोगों ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं रहेगी, शिक्षा की गुणवत्ता इतनी अच्छी होगी कि हम हिंदुस्तान के सभी कॉम्पटिशन्स में हम जा कर के अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज वो उतना नहीं हो पाया है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं हुआ है। ग्रामीण अंचल आज भी उपेक्षित हैं, सड़कें तो बनी हैं, गांव में भी सड़कें बनी हैं, गांव में बिजली पहुंची है, लेकिन बिजली की जो रफ्तार है कंटिन्यूस लगातार वहाँ उन्हें मिलने का, रोस्टिंग के नाते वो सब परेशान हैं। बिल तो आता है लेकिन कभी कभी बिजली 15-15 दिन 8-8 दिन गांव में पहुँचती नहीं है, और जब बिजली का बिल आता है तो लोगों को वसूली के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। तो ये कल्पना नहीं किया था, कल्पना किया था कि हमारा प्रदेश अच्छा बनेगा
और अच्छे तरह से जाएगा। शिक्षा के मामले में हम लोगों ने सोचा था अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा होगी। अभी जो आंकड़े आए हैं विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने बताया है 36-34 हज़ार से ज़्यादा माध्यमिक और स्कूलों में आपके अध्यापक नहीं हैं। तो जिन शासकीय नहीं है वो अशासकीय हैं, लेकिन सरकार से सहायता प्राप्त हैं। दो प्रकार के स्कूल हैं, एक तो सरकारी गवर्नमेंट का और एक अशासकीय है जिसमें सरकार अपनी सहायता देती है, लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है। जब टीचर के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि सब हो जाए, आज तक हो नहीं पाया। और उसका कारण है कि जब अध्यापक नहीं रहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे आएगी। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता की जो कल्पना हमारी थी वो अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है। इसे पहुंचाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने लिए हमारे पास अच्छे अध्यापक हैं, लोग हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों को रोजगार के अवसर न प्रदान करके इसको वैसे वैकेंट रखा गया। एक बार मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा था, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, कि भाई सरकार बजट बनाती है तो बजट में घाटा दिखाती है और बाद में जब समय आ जाता है तो कह देते हैं हमने कोई बिना टैक्स लगाए बजट जो है पूरा, हमने पूरा अपना सब पूरा कर लिया, जो हमने बर्जा बनाया था, खर्चे के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया, किसी से लोन नहीं लिया। तो मैंने उनसे यही पूछा, जोड़ के मैंने हिसाब रख दिया कि भाई इतने अध्यापक के पोस्ट खाली हैं, इतने कर्मचारियों के पोस्ट खाली हैं, उसका बजट आप बनाते हैं, उसका धन आप दिखाते हैं, और वो धन जब खर्च ही नहीं करते हैं तो ही बच जाता है, उसी से आप होशियारी से अपना बजट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने इसको बजट की चालाकी कहा था, मैंने सब तो बड़ा कठोर कहा था, उसको दोहराना नहीं चाहता। तो इस तरह से जो है हमारे जो कल्पना थी वो कल्पना अभी पूरी नहीं हुई है, इसके लिए अथक प्रयास की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को अगर आगे ले, भारत को अगर आगे ले जाना है, भारत को दुनिया के विकसित देशों के श्रेणी में लाना है, तो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़े आबादी का देश है, वो प्रदेश है, और इसकी आबादी तो ऐसी है जिसके मुकाबले बहुत सारे देश हैं। तो अगर ये पूर्ण विकसित के श्रेणी में नहीं लाएंगे, इसे विकास करके आगे नहीं लाएंगे, तो जो सपना है वो सपना अधूरा रह जाएगा। आज कर्नाटक कहाँ खड़ा है, हमारे लोग, सबसे बड़ी समस्या है त्रिपाठी जी बेरोजगारी की। बेरोजगारी जो है हमारे गरीबी का कारण है। जब ये चाहे जितना आप भाषण कर लीजिए, हम बहस कर लें, जब तक बेरोजगारी रहेगी तब तक गरीबी अपने आप रहेगी। एक सिद्धांत है, जब हाथ खाली रहेगा तो पेट स्वतः खाली रहेगा, जब हाथ को काम नहीं रहेगा तो पेट को अन्न नहीं रहेगा। ये एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत पर अगर उतारिए तो सबसे बड़ी जमात बेरोजगारों की आज उत्तर प्रदेश में है। हम अपने देश के सूबों में जाते हैं तो हमारा प्रदेश का आदमी गुजरात में भरा पड़ा है, तमिलनाडु में जैसे प्रदेश में जहाँ भाषा नहीं समझता, मेरे क्षेत्र के तमाम सैकड़ों लोग वहाँ रोजी रोटी कर रहे हैं, प्लास्टर करके कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के वहाँ रोजी रोटी खोज रहे हैं। हमारे यहाँ के लड़के केरल में आम ले जा कर के कलकत्ता बेचते हैं और केरल में रोजी खोज रहे हैं। गुजरात के लोग मुझसे एक बार कहे, वहाँ के नेताओं ने कहा कि आप जो है आप अपने यहाँ क्यों नहीं करते, आप अपने यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं करते, आप अपने आदमी को हमारे यहाँ भेजते हैं। हमने कहा डेवलपमेंट का पैसा आपको बहुत मिला, आप खाड़ी के समुद्र के किनारे होने के नाते विदेश व्यापार का अगर सबसे ज़्यादा लाभ किसी ने उठाया है तो खाड़ी के समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों ने उठाया है। और जब जहाँ विदेश व्यापार आपका नाव से बहुत पहले से होता था, मध्यकालीन भारत से होता था, तो आपकी वो संपन्नता और आपका ये पूंजी निवेश जो यहाँ है, जो औद्योगिकरण है, वो हमें मजबूर करता है कि हम अपने रोजी के लिए आपको आवें। तो हमारा सपना था कि हमारा प्रदेश औद्योगिक मामलों में औद्योगिकरण होगा और उद्योग के माध्यम से हम अपने नौजवानों को रोज़गार देंगे, और जब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा
तो ये प्रदेश अपने आप एक संपन्न प्रदेश के रूप में भारत को विकसित होने में बहुत बड़ा सहायक बनेगा, ये मेरी कल्पना थी। एक कल्पना और थी, सड़कें तो बनी, शिक्षा का और बेरोजगारी की बात मैंने कही, एक बात किसानों की बात है। हमारे यहाँ किसान चाहे जितना हम भाषण कर लें, हम भी किसानों के बीच रहते हैं, हम भी खेती करते हैं, लेकिन खेती का करने वाला आदमी आज भी उपेक्षित है, उसको वो सुविधाएं नहीं हैं, वो लाभ उसे नहीं है। शहर में एक पान का टंकी रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, लेकिन गांव का एक किसान मेहनत करता है। अब तो खेतों की जो छोटी हो गई, छोटी खेती से उसे उतना लाभकारी मूल्य नहीं है, इसलिए लाभकारी मूल्य ना मिलने के नाते वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, अपनी दवा की व्यवस्था नहीं कर सकता। हम लोगों ने कल्पना की थी जब बढ़ेगा तो अस्पताल खुलेंगे, अस्पताल खुले इसमें दो राय नहीं है, अस्पताल बहुत बनी। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं 90 में स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे 3 महीने में मैंने पूरे प्रदेश में खोला था, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जितना होना चाहिए डॉक्टर पैदा करने के लिए उतना नहीं थे। पिछली सरकार में मेडिकल कॉलेज खोले गए, नई सरकार भी मेडिकल कॉलेज खोल रही है, तो मेडिकल कॉलेज के जब तक बड़े पैमाने पर स्थापना नहीं होगी डॉक्टर नहीं उपलब्ध होंगे, अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी रह जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से स्कूल की बिल्डिंग खड़ी है, मास्टर नहीं है, अध्यापक नहीं है। तो हमने सोचा था, हम ये चाहते थे, ये जानते थे कि अस्पताल की अच्छी व्यवस्था होगी, गरीब आदमी को अपने मरीज को लाद कर लखनऊ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लखनऊ ला करके वो अपनी दवा नहीं कराएगा। तो गाँव के विकास के लिए अस्पताल, उनकी शिक्षा, उनकी सड़कें, उनकी बिजली की व्यवस्था, ये हम लोगों ने कल्पना की थी कि ये अच्छा रहेगा, और यही हम लोग सोच करके राजनीति में आए थे, और ये सोचा था कि हम लोग सतत प्रयास करके इसको पूरा करेंगे, लेकिन कितना पूरा हुआ ये जनता खुद फैसला करेगी, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक तो सबसे सहज स्वीकृति जिस तरह से स्वीकार किया, एक नेता के लिए ये कठिन होता है कि अपने जीवन के कई दशक राजनीति में बिताने के बाद इस स्थिति में आकर के स्वीकार करें कि मैंने जो सपने देखे थे वो सपने साकार नहीं हो पाए, हम जितना करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए, इस बात को सहजता से स्वीकार किया, इस बात के लिए आपका अभिनंदन निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। कि उत्तर प्रदेश से, विशेष करके जब लखनऊ से या गोरखपुर से जाने वाली ट्रेनें जो मुंबई के लिए जाती हैं, जो महाराष्ट्र के लिए अलग अलग हिस्सों में जाने वाली ट्रेनें हैं, जब उसमें बड़ी बिल्कुल इस तरह से मानव श्रम इस तरह से ठूसा जाता है, तो वो देख करके दृश्य लगता है कि वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है। इस नाते रोजगार तलाशने के लिए अलग अलग राज्यों में और विशेष करके पूर्वांचल के क्षेत्र के लोगों को गल्फ कंट्रीज में रोजगार तलाशने के लिए जाना पड़ता है, ये वास्तविक चुनौतियां हैं। किसानों की समस्याओं पर भी आपने बात की, लेकिन कुछ रोचक आंकड़े आपके लिए मैं उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि सब कुछ इतना खराब नहीं हुआ है। आज इस देश के कुल खाद्यान्न का 20% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का 20% पैदा करके देश का पेट भरने का काम करता है, यह उत्तर प्रदेश की ताकत है। उत्तर प्रदेश आज गेहूं उत्पादन में 35% गेहूं उत्पादन, 357 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन इस वर्ष करके उत्तर प्रदेश नंबर वन राज्य बना है गेहूं उत्पादन के मामले में। गन्ना उत्पादन के मामले में 1707 मीट्रिक टन गन्ना उत्पादन करके आज उत्तर प्रदेश नंबर वन बना है गन्ना उत्पादन में। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने आलू के उत्पादन में 151 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादित करके पूरे देश में नंबर वन राज्य बना है। तो किसानों ने तो नंबर वन राज्य उत्तर प्रदेश को बनाया है, लेकिन क्या कारण है कि किसान पीछे रह गए? मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ, फिर किसान क्यों नहीं उन्नत कर पा रहा है? हमने, ये मुझे याद है, असेंबली में धन्यवाद दिया गया था जब उत्तर प्रदेश में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो उसी समय उन्होंने घोषणा की कि गेहूँ खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन इतना सब पैदा करने के बाद भी आज क्या कारण है कि किसान उतना खुशहाल नहीं है जितना होना चाहिए, या अपने उत्पादन के अनुरूप उसको खुशहाली क्यों नहीं है? ये एक समस्या है, और इसका मुख्य कारण है, मैं
आपको बताना चाहता हूँ लागत मूल्य, लागत मूल्य लाभकारी मूल्य देने की बात हुई थी। यहाँ आप तो केंद्र सरकार कह रही है हम लागत मूल्य का ड्योढ़ा मूल्य देने जा रहे हैं, लेकिन क्या ये ड्योढ़ा मूल्य पर खरीदा जाता है? आप भी त्रिपाठी जी गांव से आते हैं, हम भी गांव से आते हैं, सब बिचौलियों के माध्यम से ज़्यादा सरकार की नाकामी कहिए या सरकार की अकर्मणता कहिए कि जितना हमारा उत्पादन है वो सरकार हमसे सपोर्ट प्राइस का नहीं ले पाती। सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि अगर आप इतना कहीं ना पावें तो आप यहाँ हमारे यहाँ आकर दे दीजिए, ले जाइए। लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था है सरकार के तरफ से कि हमारे उत्पादन का वो सपोर्ट प्राइस के रूप में हमें ले सकें? नहीं है। यही कारण है कि जो किसान है, जो गांव का पैदावार करने वाला है, आप आलू की समस्या पर आपने कहा उत्पादन तो किसान ने किया लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिल पा रहा, ये क्या कारण है? यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इस पर डिस्कस करना है। मेरी राय है कि सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि उसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार की उपेक्षा का शिकार होकर के उसका सारा उत्पादन किया हुआ, सारा परिश्रम किया हुआ, उसके लाभ बिचौलिया उठाते हैं, बड़े लोग, बड़े उद्योगपति उठाते हैं, वो बेचारा कुछ नहीं पाता। लंबे समय तक आप सरकार में रहे हैं, विधानसभा जो सबसे बड़ी पंचायत है जो सारी समस्याओं का समाधान करती है उस पंचायत के आप अध्यक्ष रहे हैं, क्या कदम उठाए गए कि ये बिचौलियों के लिए या सरकारी जो तंत्र है इस तंत्र को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, इस तंत्र को ठीक करने का तरीका यही है कि जितना किसान उत्पादन करता है 100% तो बेचता नहीं है, कुछ परसेंटेज जो अपने खाने के लिए रखता है और कुछ परसेंटेज जो बीज के लिए रख लेता है, जो बचता है वो बेचता है। सरकार कहती है, लक्ष्य निर्धारित कर देती है, हम इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, हम इतने लाख टन खरीदेंगे, तो जब उतने लाख टन खरीदना है तो वो कहाँ से आएगा, वो किसान सीधे कितना बेच पाएगा? ठीक है, इसका कारण है कि बड़े पैमाने पर गोदाम की स्थापना की जानी चाहिए और गांव में धान गेहूँ खरीदा गया, भीग गया, गोदाम है ही नहीं है, तो आपको ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर बड़े गोदाम बनाने की ज़रूरत है जिससे आप सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत उसे खरीद कर, गेहूँ को खरीद कर उसमें सुरक्षित रख सकें। तो सबसे बड़ी दिक्कत भंडारण की है, भंडारण की दिक्कत के नाते किसानों का जो वो है बड़े पैमाने आप नहीं खरीदते, उसका कारण है कि फिर बिचौलिए आ जाते हैं, बिचौलिए औने पौने दे करके, और इतना जो व्यवहारिक कठिनाई है, आप हम तो खुद गेहूँ बेचते हैं, कितनी परेशानी होती है, कितने बार जाओ नंबर लगाओ तो नंबर अब आएगा कब आएगा, फिर उसको इतना बारीकी से जांच करते हैं, लेकिन हमारा तो ये हो जाता है, आढ़तियों की जांच होती है कि नहीं ये नहीं समझ में आता है। आढ़त वाले जब देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, तो आढ़त का सीधे ले लिया जाता है, उसकी कोई जांच नहीं होती, हम लोग कहते रह जाते हैं। लेकिन अब सरकार को बजाय आढ़त के माध्यम से लेने से अगर ये किसानों के माध्यम से सीधे लें तो उसको किसानों को फ़ायदा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर आपने कुछ सुझाव भी रखे हैं, ऐसे सुझाव जो सरकार में रहते हुए आप नहीं लागू करा पाए या विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए वो नहीं हो पाए, इस बात की टीस भी आपके मन में है। हम लोगों के बीच में पांचजन, एक प्रमुख राष्ट्रवादी पत्रिका, उसके संपादक हितेश शंकर जी हैं। हितेश जी से निवेदन है कि हितेश जी भी अगर कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो निश्चित तौर पर अपनी कुछ बातें जोड़ें ताकि ये विमर्श जो सपनों का उत्तर प्रदेश है ये आगे बढ़ सके। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, सरकार में रहते हुए ये सब प्रदेश सरकार का नहीं था, ये सब केंद्र सरकार का मामला था और प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव था नहीं, आप तो जानते ही हैं। तो ये कहना कि आप प्रदेश सरकार से क्यों नहीं करा पाए, हम कहाँ से कराते जब केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, कभी बोरा नहीं है तो कभी पैसा नहीं है, कहीं गोदाम नहीं है, तमाम प्रकार के बहाने, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार सपोर्ट प्राइस निश्चित करती है, उसकी जिम्मेदारी है। जब सपोर्ट प्राइस का नियम यह है कि अगर कहीं मार्केट में आपका नहीं बिकेगा तो आप हमारे यहाँ ला के दीजिए, और आप कहीं नहीं बिकता है तो आपको लेने को लाते हैं तो आप भी नहीं लेते, ये मेरा कहने का मतलब है, सरकार की नहीं, बस खत्म। ठीक है,
हितेश जी कुछ बात जोड़ेंगे। आइए 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 साहब। तो बुद्धिमान लोग मतलब हवाई किले बनाते हैं, जवान जमीन पर रहने वाले लोगों के जिनके पैर जमीन पर हैं वो समाधान परक दृष्टिकोण के साथ सामने आते हैं। मुझे लगता है, मैं बिना किसी औपचारिक उद्बोधन के यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं और बहुत थोड़ा सा समय लूंगा। माता प्रसाद जी ने जो बात बोली, मुझे लगता है कि एक बड़ा काम अगर हुआ है तो वो ये हुआ है कि अब नीयत पर शक वाले दिन चले गए हैं। पहले नीयत पर शक होता था। आपने कहा कि नीति और उसके क्रियान्वयन में जो लूप होल्स हैं उसको पूरा करने की आवश्यकता है। हमें आगे सत्रों में हर्षवर्धन जी का इसमें समय मिलेगा और उनके सत्रों का नियोजन जैसा भी रहे, परंतु उत्तर प्रदेश में खेती किसानी और जो किसानों की आय दोगुनी करने वाली बात है वो जमीन पर कितनी उतरी है। मैं समय समय पर बात करता रहता हूँ, अभी ये मुद्दा उठा इसलिए मैंने कहा कि ये हर्षवर्धन जी उसे कहीं ना कहीं छुएंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्व की है कि उत्तर प्रदेश क्या है। मुझे लगता है कि जिस कंपोजिट कल्चर की बात होती है, जिस ऐक्य की बात होती है, जिस विविधता और विविधता में साम्य की बात होती है, उत्तर प्रदेश उस संस्कृति का पालना है। एक आपको अगर छोटे में सारी चीज़ें देखनी है तो आपको उत्तर प्रदेश में दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको दिमागी बुखार के नमूने भी मिल जाएंगे और सैमसंग की फैक्ट्री भी मिल जाएगी। हर चीज़ में जो दो डाइवर्स या बिल्कुल अपोजिट एंड हो सकते हैं वो अगर कहीं देखने हैं तो वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। परंतु इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कुछ और भी है। दो मॉडल हैं सामाजिक चीजों को ठीक करने के। एक मॉडल हरियाणा मॉडल है और एक उत्तर प्रदेश मॉडल है। हरियाणा मॉडल महाभारत मॉडल में उसे कहता हूं और उत्तर प्रदेश रामायण मॉडल है। आप ये देखिए कि विजडम की, ज्ञान की, ठीक होने की, संख्या की, वो गलत कोई भी नहीं है, मगर रामायण घर में रखी जाती है। वो मॉडल अगर कहीं का है तो वो उत्तर प्रदेश का मॉडल है। और उत्तर प्रदेश बहुत सारे शंकाओं और समाधानों को प्रस्तुत करने वाला ये मॉडल इसलिए भी है कि इसका नाम ही उत्तर प्रदेश है, ये प्रश्न प्रदेश नहीं है। प्रश्न प्रदेश तो बहुत सारे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो मॉडल यहाँ पर जो है उसकी चर्चा हो, आने वाले कल की चर्चा हो और उसके लिए हम कैसे कदम बढ़ा सकते हैं। और जो लीप फॉरवर्ड की बात होती है, लीप फ्रॉग की बात होती है कि एक बड़ा डग भरना, वो भी कहीं से हो तो यहीं से बात होगी। मीडिया स्कैन को अगर मैं जानता हूँ, आशीष अंशु को अगर मैं जानता हूँ, तो सोशल मीडिया के महारथी तो बहुत अभी दिखाई देते हैं सब जगह, मगर सामाजिक संवाद के सारथी, इस नाते मैं मीडिया स्कैन को जानता हूं और मुझे लगता है सामाजिक संवाद के सारथी के तौर पर इस संवाद को ऐसी दिशा देना जिसमें समाज की समस्याओं के समाधान हैं, वो आज इस मंच से निकल कर आएं। और कितना भी बड़ा भव्य मंच छोटा दिख सकता है, परंतु मीडिया स्कैन को लोग कहेंगे कि एक छोटी संस्था ने बड़ा कार्यक्रम किया, मगर मैं कहूँगा ये नहीं, वो छोटी नहीं होती। वो मॉडल भी उत्तर प्रदेश का ही है। आपने अयोध्या मथुरा की बात कही थी, मैं कहूँगा कि हरदोई भी यहाँ पास में ही है, हरिद्रोही कहते थे। और उसमें भी परिणाम अंत में क्या आता है ये उत्तर प्रदेश ने दिखाया था। और जो प्रहलाद थे, प्रहलाद के भी पौत्र हुए बलि। जब बलि ने यज्ञ कराया तो वामन अवतार में आए थे। वामन अवतार में बहुत कुछ नहीं मांगा था, तीन डग मांगे थे, तीन डग में सब कुछ नाप दिया था। तो मैं कहूँगा ये छोटा सा कदम है, मगर वामन अवतार की तरह का कदम है ये मीडिया स्कैन का। तीन डग में उत्तर प्रदेश की समस्याएं नापेंगे और उसके समाधान के साथ आएंगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं पूरा करता हूँ। मेरे गले में थोड़ा संक्रमण है, मैं बोल नहीं सकता, थोड़ा सांस उखड़ती है। तो अभी इतने के साथ ही मैं आपसे आगे चाहूँगा। धन्यवाद। मैं एक अंतिम प्रश्न के साथ जोड़ूंगा कि
एक युवाओं ने एक ये विमर्श प्रारंभ किया है, विमर्श की एक श्रृंखला का एक कार्यक्रम है कि मेरे सपनों का उत्तर प्रदेश कैसा हो। तो ये सपनों का उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए युवा क्या करे, इसका पाथेय जरूर हम आपसे चाहेंगे कि आप जाते जाते एक युवाओं को पाथेय जरूर दे करके जाए कि सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, अब सारी जिम्मेदारी युवाओं पर ही आने वाली है और युवा ही संयमित होके, मैं एक मिनट बीच में थोड़ा सा व्यवधानित कर रहा हूँ हम लोगों के बीच में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय दीक्षित जी आ चुके हैं और मैं बिना औपचारिकताओं के सीधे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं और इस चल रहे कार्यक्रम को ज्वाइन कर लें साथ में, ताकि अब थोड़ा सा विलंब हुआ है आपको आने में, लेकिन ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए सौभाग्य का अवसर होगा। आइए आइए पंडित जी, अब हमको छुट्टी करिए, आप अंतिम बात के बाद अंतिम। अरे हम, अब आप आए तो इतना तो सम्मान करना चाहिए ना। आइए, हाँ सब ठीक है, और जाना है उन्नाव, आज मनोहर लाल जी का कुछ कार्यक्रम है, तो वही मैं 11 बजे निकल जाने वाला था। देखिए, आपका सवाल है युवा क्या करे। युवा ही भविष्य का निर्माता होगा और युवा ही इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसलिए युवाओं से मेरा आग्रह यही है कि संयमित ढंग से इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अपने जहाँ जिस क्षेत्र में हैं अपने कौशल का पूरा प्रदर्शन करें, किसी प्रकार की कोई कंजूसी न करो, और सबसे बड़ी बात है सदाचार और नियमित ढंग से लगातार इस प्रदेश को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, यही मेरा संदेश। बहुत बहुत आभार आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी, जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के बिल्कुल एक सीमावर्ती जिला है जो नेपाल बॉर्डर से टच करता है सिद्धार्थ नगर, वहां से लंबे समय तक इटवा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। और ये एक और सुखद संयोग आज है कि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष और एक वर्तमान अध्यक्ष दोनों ही इस कार्यक्रम के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और मैं श्री देवेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देवेश गुप्ता जी आए मंच पर और इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पधारे श्री हृदयानंद दीक्षित जी विधानसभा अध्यक्ष, आपका वो पुस्तक देकर के सम्मान करें। हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे इस कार्यक्रम को हमारे साथ आपने अब तक ज्वाइन किया, आप हमारे साथ रहे, हम लोगों का मार्गदर्शन किया, विधानसभा अध्यक्ष रहे, अब तक जिम्मेदारी आपने निभाई और अब नए विधान अब इस वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हम लोग के अतिथि के रूप में आ चुके हैं। बहुत बहुत आपका आभार। मैं निवेदन करूँगा करतल ध्वनि से एक बार आपको कम से कम विदा करें, जो है विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे श्री माता प्रसाद पांडे जी। जहाँ मस्त मगन नदियाँ हैं झूमती, यहाँ बहती जमुना और बहे गोमती। जहाँ मस्त मगन नदियाँ हैं झूमती, यहाँ बहती जमुना और बहे गोमती। गर हर से जलिया निर्मल हो जाए, मेरे सपनों का उत्तर प्रदेश बन जाए। मेरे सपनों का उत्तर प्रदेश बन जाए।